नोटबंदी के 50 दिन पूरे होते ही कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ और आक्रामक हो गई है। पार्टी देश भर में नोटबंदी के मुद्दे पर लोगों का समर्थन हासिल करने में जुटी है। उधर पीएम मोदी की मांगी मियाद पूरी होने पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ हमलावर रुख अपनाते हुए कई सवाल पूछे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ जहां पीएम मोदी कैशलेस इकोनॉमी की बात करते हैं और दूसरी तरफ बीजेपी कैश में अपने पार्टी दफ्तर तक पैसे पहुंचा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने लखनऊ दफ्तर में 3 करोड़ रुपए कैश पहुंचाए हैं, कैश पकड़ा भी जाता है और फिर अमित शाह के कहने पर पैसे छोड़ दिए जाते हैं। इतने बड़े अमाउंट में कैश पकड़े जाने के बावजूद इसकी जाँच तक नहीं की जा रही है। दरअसल गाजियाबाद पुलिस ने 2 कारों से 3 करोड़ रुपए कैश पकड़े थे। पुलिस कैश समेत कार लेकर थाने पहुंची। इतने में बीजेपी नेता अशोक मुंगा पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की चिट्ठी लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, फिर कार समेत पैसों को छोड़ दिया जाता है। वह कार सीधे लखनऊ पार्टी मुख्यालय पर जाकर रुकती है। रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी से पूछा कि वो पैसा किसका था और इतनी बड़ी रकम पार्टी मुख्यालय कैसे पहुंच जाती है। एक तरफ पीएम मोदी चाय वाले, छोटे दुकानदार और रेहड़ी वालों से कहते हैं कि कैशलेस काम करो, पेटीएम करो, और दूसरी तरफ पार्टी मुख्यालय में 3 करोड़ रुपए कैश पहुंच जाता है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरएसएस को भी लपेटे में लिया और मांग की कि बीजेपी और आरएसएस के अकाउंट डिटेल्स को सार्वजनिक किया जाए। रणदीप सुरजेवाला ने अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक का भी मामला उठाया। उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव बैंक में 500 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं, लेकिन उसकी जांच नहीं की जा रही है। उस कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन अमित शाह हैं। आगे उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व बीजेपी मंत्री की कार से भी लाखों रुपए जब्त किए जाते हैं, लेकिन जांच के नाम पर सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। हो जो भी, लेकिन नोटबंदी की लड़ाई अब दिलचस्प हो गई है। यूपी चुनाव में भी इस मुद्दे की छाप दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।